Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों, आज हम अपना बुनियाद लेवल 1 का जो पेपर हुआ था उसके 6 पार्ट हम पहले कर चुके हैं, यानी कि 6 पार्ट्स में मैं आपको उसके सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ। आज हम कोशिश करेंगे इस पेपर को वाइंड अप कर देते हैं और इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, जैसे साधारण ब्याज, लाभ हानि, पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू करेंगे। आज के लिए पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन है, जब रयान अपने पहले सेट के लिए भार उठाता है तो उसके द्वारा उठाए जा सकने वाले अधिकतम वजन के आधे से भी कम 15 पाउंड उठाता है और यह नीचे दिए गए समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। एक समीकरण दिया गया है इस प्रश्न में, एफ बराबर 1/2m माइनस 15, जहाँ पर F तो है उसके द्वारा उसके पहले सेट के वजन का प्रतिनिधित्व F कर रहा है और M जो है वो है उसके द्वारा उठाए गए अधिकतम वजन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हमने क्या निकालना है इस प्रश्न में, यदि रियान के पहले सेट का वजन 135 पाउंड है, यानी कि F जो है हमारा 135 है, तो हमने उसके द्वारा उठाए जा सकने वाले अधिकतम वजन को बताना है कि वो कितना वजन उठा सकता है, यानी कि M निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। दो LCM आ गया हमारे पास यहाँ पर, M माइनस 30 बराबर है हमारा 135, गुणा कर देंगे इसकी 270 बराबर M माइनस 30 और M हो जाएगा हमारा 270 प्लस 30 जो कि है 300 पाउंड, क्योंकि ये प्रश्न पाउंड में पूछा गया है। पाउंड भी वजन को मापने की एक इकाई होती है और ये हमारा है ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक विमान 27,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। विमान के पायलट तूफान से बचने की कोशिश कर रहा है और 3500 फीट चढ़कर विमान को ऊंचाई बढ़ा रहा है। जब पायलट देखता है कि तूफान से बचने के लिए पर्याप्त दूर नहीं चढ़ा है तो वह 5000 फीट और अंत में 2500 फीट चढ़ता है। विमान की नई ऊंचाई बताएं। यदि एक बहुत सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल ही सिंपल। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो विमान जो है वो उड़ रहा है 27,000 फीट तक, उसके बाद उसकी ऊंचाई 3500 फीट और बढ़ाई गई और उसके बाद फिर से बढ़ाई पायलट ने उसकी ऊंचाई 5,000 फीट और फिर 2500 फीट। सभी को जोड़ देंगे तो हमें नई ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। 0, 0, 10, 8, 11, 7, 18, 1 तो 38,000 फीट जो है नई ऊंचाई उसकी होगी और ये हमारा है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42। जेम्स का आयताकार कार्यालय है जिसका माप 6 फीट × 10 फीट है, यानी कि उसके कार्यालय का माप क्या है, 6 फीट × 10 फीट। वह ऐसे कार्यालय में जाएगा जो पिछले कार्यालय की तुलना में 2 फीट लंबा और 2 ही फीट चौड़ा है। नया कार्यालय, ये तो पुराने का वो हो गया माप, नया जो उसका कार्यालय है वो 2 फीट चौड़ा है और 2 फीट ही लंबा है, यानी कि 8 फीट हो गया गुणा में
12 फीट। उसके जेम्स के पास अपने नए कार्यालय के लिए कितना क्षेत्रफल अधिक होगा? बहुत आसान है, ऊपर वाले का क्षेत्रफल कितना है? 60 फीट स्क्वायर, और नीचे वाले का कितना है? 96 फीट स्क्वायर। तो नए वाले कार्यालय का हमने बताना है कि कितना अधिक होगा। घटा देंगे इसमें से इसको, पुराने वाले को, 96 में से 60 गए, 36 स्क्वायर फीट होगा। स्क्वायर फीट लिखें, इस तरह लिखें, क्षेत्रफल में हमेशा इकाई में स्क्वायर लगता है। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी बिल्कुल ही सरल प्रश्न आ गया एक और आपके पास। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक तांबे के तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 43। तो जब उसको वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार को, तो क्षेत्रफल बता रखा है हमें, क्षेत्रफल है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछ रहा क्या है इसमें कि वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो उसका त्रिज्या बतानी है हमें। तो वर्ग का हमारा क्षेत्रफल जो होता है, लंबाई का वर्ग होता है, ये हो जाएगा 484 के बराबर। इससे हमें क्या पता चल जाएगी कि वर्ग की एक साइड, एक भुजा जो है वो कितनी है। यहाँ पर L बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लोगे आप, 484। वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है, पहले भी मैंने आपको सिखाया है। तो गया ये, और ये 4 पे फिर 2 पे, फिर से 2 पे 1 2 1। अभी सीधा 11 पे चला जाएगा, 11 को 11 से करेंगे तो 121 हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ से पेयर बना लेंगे, एक दो लेंगे हम और एक की बार 11, तो ये हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर क्या है? वर्ग की भुजा। अब इसका परिमाप, क्योंकि हमें पूरी तार का वो चाहिए कि तार कितनी लंबी है, तो अगर वर्ग का परिमाप हम निकाल लेंगे तो हमें तार की लंबाई पता चल जाएगी। 22 को 4 से गुणा कर देंगे तो वर्ग का परिमाप आ गया हमारे पास 88 सेंटीमीटर। परिमाप की इकाई सेंटीमीटर, क्षेत्रफल की सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें तार की लंबाई पता चल गई, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो होती है उसका फॉर्मूला है 2πr। अब तार की लंबाई तो 88 सेंटीमीटर की है, चाहे हम उससे वर्ग बनाए चाहे उससे हम वृत्त बनाए, हमें यहाँ पर निकालना क्या है? r। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? वो भी 88 बराबर 2πr, और r बराबर हो जाएगा आपके 88/2। पाई का मान होगा 22/7, तो 22 नीचे आ जाएगा, ऊपर 7 चला जाएगा, काट देंगे इसको, 2 एकम 2, तो जो कि 4 पे कट जाएगा, 22 एकम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 14 सेंटीमीटर जो है वो वृत्त की त्रिज्या होगी। और ये हमारा है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। क्वेश्चन नंबर 44 इसमें आपको अनुपात का ही क्वेश्चन है। ये भी तो 2-3 क्वेश्चन बच्चों इस तरह के आ चुके हैं ऑलरेडी। ए अनुपात बी जो है वो है
दो अनुपात तीन के बराबर, बी अनुपात सी है वो है चार अनुपात पाँच के बराबर, और तीसरा अनुपात बताया गया सी अनुपात डी जो है वो है छः अनुपात सात के बराबर। निकालना है हमने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हमने निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको लिखने का तरीका सीख लिया आप पहले। यहाँ पर ए अनुपात बी हमने लिखा दो अनुपात तीन, अब बी ही दोबारा से है तो इसके नीचे ही लिखेंगे बी का मान। ये हो गया हमारा बी अनुपात सी, और अब सी अनुपात डी लिखना है हमने तो इस तरह से लिखेंगे, और इनकी तिरछी गुना करते जाएंगे। जैसे चार दुनी आठ, आठ छिके अड़तालीस, अब इसकी इधर से चार किए बारह, बारह छिक बहत्तर, फिर तीन पंजे पंद्रह, पंद्रह छिके नब्बे, अब इधर तीन पंजे पंद्रह, पंद्रह सत्ते एक सौ, एक सौ पाँच। अब इसमें से हम जो कॉमन है हमारा उसको निकाल देंगे, कॉमन फैक्टर को निकाल देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे ऑप्शंस में से ही हमें मिल जाएगा सोलह अनुपात चौबीस अनुपात बीस अनुपात पैंतीस। इसको हमने इसके लीस्ट उससे भाग कर दिया जिससे हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आ जाता है बच्चों आपके पास सी, ये हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक कार निश्चित दूरी से पहले एक बटा तीन भाग को 10 किलोमीटर की गति से, अगली एक तिहाई दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और अंतिम एक तिहाई को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरी करती है। यात्रा की औसत दूरी हमने बतानी है। अब यहाँ पर आपको पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि गति जो है या चाल जो है उसका फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा में समय। अब हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पता हैं, हमें यहाँ पर गति पता है और समय भी पता है एक तरह से कि कितने भाग को वो एक निश्चित समय में तय कर देंगे। यानी अगर हम समय को टी मान लें तो पहला एक तिहाई दूरी उसने डी बटा तीन गुना में दस किलोमीटर प्रति घंटा से तय करी, और दूसरी जो दूरी है वो उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी तीन गुना में 20, और तीसरी जो दूरी है वो उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी उसे तय करी। अब ये आ जाएगा हमारे पास डी बटा 30 प्लस डी बटा 60 प्लस डी बटा 180, यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 180। इसको करेंगे तो हम क्या आएगा हमारे पास 6D प्लस, इसको करेंगे तो 3D और इससे सिर्फ डी, ये आ जाएगा आपके पास 10D बटा में 180। जीरो से हमारी जीरो कट गई। यहाँ हमारे पास ये क्या आ गया, समय। इसको हम लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं डी बटा टी, और हमने यहाँ पर निकालना क्या है, औसत गति निकालनी है यानी स्पीड ही निकालनी है। हमने स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस बटा टाइम। अब दूरी कितनी हमने मानी है, डी मान लेते हैं, पूरी दूरी जो है वो डी है, और समय हमारे पास आ गया डी बटा 18। तो डी
18 है बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, विक्रम लेंगे इसका और डी से डी कट गया, तो गति आ गई इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। ये है दो बैंकों ए और बी में साधारण ब्याज की दरें 5:4 में है। एक व्यक्ति अपनी कुल बचत को दो बैंकों में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि उसे दोनों से समान अर्धवार्षिक ब्याज प्राप्त हो। उसे ए और बैंक बी बैंक में कितनी बचत जमा करवानी चाहिए। तो प्रश्न भी अनुपात में ही है और उत्तर बैंकों की ब्याज की दर जो है वो उसका अनुपात है, ब्याज दर का अनुपात है 5:4। और हमसे पूछा गया है कि वो किस अनुपात में जमा कराए कि उसको समान वो प्राप्त हो, उसको समान अर्धवार्षिक ब्याज प्राप्त हो। तो उल्टा कर देगा वो, यानी कि जो राशि वो जमा कराएगा, राशि जमा कराने का अनुपात उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। अगर वो 4:5 के अनुसार जमा कराएगा तो उसको बराबर ही दोनों बैंकों से वो प्राप्त होगा। ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से 47th क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी जो है 3 के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है हमारा 6 के बराबर है, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c जो है वो 1 के बराबर है। हमने यहाँ पर मान निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसे ही हल कर लेते हैं हम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए बी सी, ऊपर आ जाएगा आपके पास बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बराबर 1, और यहाँ पर आ जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी जो है वो ए बी सी के बराबर है। अब हम इन दोनों समीकरणों को यूज करेंगे जिससे कि हमें उत्तर प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो होता है वो तो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी के बराबर है। और हमें यही निकालना है, हमें यही निकालना है ना। अगर हम इसको निकाल लेंगे तो हमें ए बी सी का पता चल जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी हमारा 3 के बराबर है तो यहाँ पर आ गया 3 का स्क्वायर, और ये भी हमें पता है ये हमारा है 6 के बराबर है, और प्लस में हमारे पास है 2 ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब इसका आ जाएगा यहाँ से 9, इस 6 को हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में 2 ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी। ये अब वो करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे 3 बचा हमारे पास, 3/2 जो है इसके बराबर है ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी के बराबर, जो कि किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर है। यहाँ हम पहले ही पता कर चुके हैं, तो हमारा उत्तर आ गया 3/2, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। ऑप्शन क्या है हमारा, सी, और यही हमारा उत्तर है। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास
लाभ हानि वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी से ही संबंधित है। तो आप देखिए कि ज़्यादा प्रश्न किस टॉपिक में से आपको मिल रहे हैं, साधारण ज्ञान, लाभ हानि, इस तरह के प्रश्न हमें बहुत अधिक मिल रहे हैं। तो अगर हम इन प्रश्नों को हल करना अच्छे तरह से एक बार सीख लेंगे तो हमें आगे के जो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत हम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 48। 48वां क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन है हमारा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो वस्तुएं कितनी है पहले हमारी, 20 वस्तु। हम किसकी बात कर रहे हैं पहले, क्रय मूल्य। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मान लिया कि 100 रुपये है, 100 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100/20, ये आ गया आपके पास 5 रुपये। और ये कह रहा है कि x वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी समान है, यानी कि विक्रय मूल्य की जब हम बात करें तो x वस्तु हैं उनका भी विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये के बराबर। और एक वस्तु का हो जाएगा 100/x। अब हमने यदि लाभ प्रतिशत 25% है, लाभ प्रतिशत हमें क्या कर रखा है यहाँ पर, बता रखा है 25% है। यदि लाभ जो है 25% है तो x का मान हमने बताना है। अब यहाँ पर अगर लाभ दे ही रखा है तो लाभ क्या हो गया हमारा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा है 100/x माइनस क्रय मूल्य 5। और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले ही सवालों में बताया था क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। अब लाभ जो है 25% बता रखा है हमें, 25, लाभ हमारा कितना है ये, इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 - 5/x, और बटे में क्रय मूल्य भी है हमारे पास, यानी कि ये 5। तो 1/5 से गुणा यहाँ और होगी और गुणा में 100। अब हमें यहाँ पर इस x का मान निकालना है। यहाँ हमारे पास ये आ गया 5x भी आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 से ये कट जाएगा हमारा, 5 + 5, 5 × 10, 0 = 0। शेष हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 100 - 5x गुणा में 20 बच गया यहाँ पर, और ये x भी बच गया जिसको हम यहाँ से गुणा कर देते हैं, 25x। एक सिंपल समीकरण हमें प्राप्त हो गई है, उसको सॉल्व कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। जैसे आपके पास सरल समीकरण आ गई, 25x = 100 की पहले 20 से गुणा होगी तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 100 से गुणा करेंगे तो 20 - 0 - 20 = 100x। इसको हम x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 125x = 2000। और हमारे पास आ जाएगा x का मान 2000/125। 25 के टेबल पे इसको काट देते हैं, 8 0 और 5 पे कट गया, 5 × 5, 5 × 5 = 6। यानी कि हमारे पास x का मान कितना आ गया, 16। और ऑप्शन है ये बच्चों आपका सी, सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास ज्योमेट्री से संबंधित है, जो कि है एक त्रिभुज एबीसी है, यदि एडी और बीसी, पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एक त्रिभुज है ये हमारे पास ए बी सी, और यदि ए डी बी सी को, ए डी एक लंबाई है इस पे, बी सी को ये m अनुपात n के में विभाजित करता है, ये जो इसकी दूरी बी डी है m और ये है n, तो त्रिभुज ए बी डी और ए बी ए डी सी के क्षेत्रफल, यानी ये जो दो त्रिभुज बन गए इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना में m गुना में लंबाई हमारी ए डी, अनुपात निकालना है हमने 1/2 गुना में n गुना में लंबाई, यहाँ पर भी हमारी ए डी है, 1/2 से 1/2 कट गया, m भी कटेगा, ए डी से ए डी कट गया, तो इसका भी अनुपात, क्षेत्रफल का भी अनुपात कितना आ गया, m अनुपात n, और ऑप्शन हमारा सही है जो वो है सी। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 50, और है यहाँ पर यदि x-3, यदि क्वेश्चन नंबर 50, x-3 और x-1/3 दोनों, एक समीकरण दी हुई है x2+qx+r, दोनों इस समीकरण के क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, r का मान, ये r कितना होगा हमें ये बताना है, गुणनखंड है यानी इनको गुणा करें हम, x-3 और x-1/3, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x2 इसकी इससे गुणा करेंगे तो -1/3x, इसकी इससे -3x, फिर इसकी इससे हो जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 1, और यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, x2-, यहाँ पर हम इसका एलसीएम नहीं ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10/3x+1, तो r जो है, r के स्थान पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1, तो हमारा r जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा जो ठीक है वो है 1, ए ऑप्शन हमारा इसमें ठीक है। इस प्रकार बच्चों हमने ये पूरा पेपर जो है आपका सॉल्व कर दिया, और मुझे उम्मीद है आप इसको, वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें हर तरह के प्रश्न हैं बच्चों, और मैथ्स जो है वो कॉन्सेप्ट आपको समझने ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप सारे पार्ट्स देखें इसके साथ के साथ, कि हमने क्वेश्चंस को बहुत आराम से समझाया मैंने आपको सभी प्रश्नों को, ताकि आपको आने वाले पेपर्स में भी इससे मदद मिले, आपके कल के बुनियाद के पेपर के लिए, आपको लेवल 2 के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।